हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं महिंद्रा की मरेजो है, 2018 का मॉडल है, डीजल कार है। आउटसाइड टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और गाड़ी अभी चालू है। एसी हमने चालू रखा है, देख पा रहे हैं एसी का बटन ऑन है। कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये रही सामने का हवा यानी मोड बटन, और ये रही पैर पे सामने, ये रही पैर पे, ये रही कांच पे और पैर पे। मैं सामने रख लेता हूँ हवा। और ये रही ब्लोअर स्पीड, प्रॉपर चल रहा है। यहाँ रही रियर एसी का, ये भी प्रॉपर चल रहा है। ये आउटसाइड एयर का प्रॉपर चल रहा है, एसी ऑन ऑफ स्विच प्रॉपर चल रहा है। और इकोन के बारे में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि इकोन मोड क्या कैसे काम करता है, वो आपको मैं लाइव बताऊंगा तो फिर समझ में आएगा। और रियर एसी देख लीजिए आप, रियर एसी इधर दिया है, इसको मरेजो में देख पा रहे हैं रियर एसी ये वाला दिया है, यहाँ पर ब्लोअर दिया है पीछे साइड। तो चलो फिर अब हम इसका ये देख रहे हैं, रियर डिफोगर का भी प्रॉपर चल रहा है और फ्रंट डिफोगर ये बटन में दिया है, प्रॉपर चल रहा है इसका भी सब। बंद कर देता हूँ मैं, यहाँ से बंद हो गया, बंद कर दिया हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कूलिंग टेम्परेचर कितना आ गया था, एयर डिफोगर बंद कर देता हूँ। इसमें आप जो मैं सादे में एसी में चालू रखा हूँ तो कूलिंग टेम्परेचर आप देखिए 9.2। थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ और देखता हूँ कितना तक जा रहा है कूलिंग टेम्परेचर, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ, अभी भी देख रहे हैं कूलिंग टेम्परेचर और भी नीचे जा रहा है। ट्रिप हो गया था कंप्रेसर, इसके वजह से 11 पे चला गया था। सके देख पा रहे हैं 9.5, 9.2, 8.9 पे कूलिंग टेम्परेचर आ गया। अब मैं ये इको मोड चालू कर रहा हूँ, इको मोड चालू किया और एसी यहाँ से चालू किया, सॉरी एसी ऑन करने के बाद इको मोड भी चालू रखा हूँ। तो आप देखिए कूलिंग टेम्परेचर कितना तक जा रहा है, देखिए पहले मेरा 8 तक चला गया था कूलिंग टेम्परेचर, लेकिन देखो अब बार बार कंप्रेसर ट्रिप मार रहे हैं, 13 पे आ गया, 12 पे आ गया फिर से। आप सिर्फ ये देखो कि ट्रिप कितने में मार रहा है कंप्रेसर, कंप्रेसर ट्रिप मार दिया यानी 11 के नीचे नहीं आ रहा है कूलिंग। इको मोड का बस स्पेशल फीचर यही दिया है कि कंप्रेसर आपका बार बार ट्रिप मारेगा और गाड़ी जो है एवरेज ज्यादा देगा। आप लंबा टूल्स वगैरह में जाते हैं, यानी लंबा रनिंग में अगर गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं तो एवरेज ज्यादा देगा, बस यही फीचर है इसका इको मोड का, जो कि महिंद्रा की लगभग हर गाड़ियों में देता है। मैं इसको ऑफ कर देता हूं और इसका फिल्टर का लोकेशन देख लीजिए आप, फिल्टर का लोकेशन ये रही, फिल्टर क्लीन है, लगा देता हूं वापस से, किसी ने गलत तरीके से डाला है फिल्टर, ऐसा बैठेगा ये, मैं फिल्टर का कैप लगा देता हूँ। और हीटिंग टेम्परेचर मैं हाई करता हूँ हीटर, और हीटिंग टेम्परेचर देख लेते हैं कितना तक जा रहा है। थोड़ी देर वीडियो में होल्ड करता हूँ और हीटिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए बढ़ रहा है। तो थोड़ी देर होल्ड करता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कितना तक पहुंच रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 45 पे हीटिंग टेम्परेचर आ गया, 46 पे, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज।